जनपद अलीगढ़ के क्वासी राम घाट रोड स्थित जवाहर कॉलोनी मलिन बस्ती में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहाँ रहने वाले बिजली और पानी को तरस रहे हैं। विधायक से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाने के बाद भी यहाँ के लोग लाचार दिख रहे हैं। किसी ने कोई मदद नहीं की। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखी। साथियों नमस्ते, आइए मैं यहाँ जनपद अलीगढ़ के 25 नंबर वार्ड नगर निगम अलीगढ़ में हूँ। यहाँ ये जवाहर कॉलोनी है, यहाँ ये क्वारसी के नज़दीक पड़ती है। यहाँ पर लोगों की जब आकर के देखी तो ये मूलभूत सुविधाओं से इस तरह से वंचित हैं जैसे मानो ये सरकार नहीं कोई सुविधा दे रही हो। अभी यहाँ के बासिंदाओं से मैंने बात की है, जो सबसे यहाँ परेशान महिलाएँ हैं जो अपने बच्चों को यहाँ भेजती हैं। नाला इस तरह से है कि इनके घर के आगे से निकला हुआ है, न कोई सड़क है, न पीने का पानी है। और जहाँ सरकार ये कहती है कि विध्वंस से हमने सारे जगमगा दिए हैं, ये लोग अभी तो इस बात के लिए ही दुखी हैं कि कभी लाइट क्या हमारे यहाँ भी आएगी, ये बिजली से भी वंचित हैं। डेली न्यूज़ के पड़ताल आज यहाँ पहुँच चुकी है डेली न्यूज़ की टीम। ये आपका परिचय क्या है, ये और क्या मामला है? ये मेरा नाम डालचंद है, वैसे मैं स्टेनो रहा हूँ टाइपराइटर बार में अलीगढ़ बार अलीगढ़ की तरफ से कोर्ट में भी है जी, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ वकालत में। अच्छा अच्छा, यहाँ मैं पढ़ाई के ही टाइम से हूँ जी, 11th करने के बाद से यहीं पे रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तब से ये कॉलोनी है, गरीब तबका है, मजदूरी करते हैं, 2-4 हज़ार रुपये मिलते हैं, ज्यादा तो है नहीं कि खड़ंजा अपने आप बिछवा दें, लेकिन इतनी जाती हो रही है लोगों के साथ। कितनी बार विधायक MP पता ना किस किस के पास जा चुके हैं लोग अपनी सूचना ले लेके प्रार्थना पत्र लेके, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पानी भरा हुआ है, मच्छर पलते हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। जितनी भी सुविधाएं और कॉलोनियों में चल रही है, 10 साल हुए नहीं, बसे हुए रोड बन गए। ये तुम्हारी वाली कॉलोनी, ये यहाँ कब से रहते हैं आप लोग? यहाँ मैं सन 2012 से हूँ यहाँ पे। अच्छा, यही चल रहा है, मैं स्वयं अपनी बता रहा हूँ ठीक। बाकी जो और भी जो पुराने लोग हैं उधर साइड में, 3 गलियाँ यहाँ पे, अब तो 4 हो गई हैं, लेकिन चौथी जो गली है और जो उसके बाद दूसरी वाली है वो बन गई, क्योंकि उधर कुछ राजनीतिक पहुँच के लोग हैं, लेकिन इधर जो है गरीब तबके के ज्यादा लोग हैं, इनका अभी तक कुछ निस्तारण नहीं हुआ, मतलब लाइट की व्यवस्था तक नहीं है। वैसे आप सरकार से क्या मांग रहेगी वकील साहब आपकी? बिजली की व्यवस्था हो जाए, बिल देता है आदमी, कोई कर्ज तो ले नहीं रहा है सरकार से, और सड़कें बन जाए जो निकल सके, बच्चा है, कुत्ते घूमते हैं, यहाँ 1-2 बार ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। वैसे तो यहाँ सरकार की तरफ से सार्वजनिक शौचालय भी बने हुए हैं कि चारों तरफ यहाँ जो सारे लोग शौचालय में जाएं। आपने देखा होगा किसी के घर में है शौचालय, केवल कागजी कार्रवाई हो रही है, दिखावे के लिए हो रहा है सब। यहाँ पे ना शौचालय है ना कोई शौचालय। चलिए, आपने डेली न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, कहाँ जा रहे हो? लेटरिंग करने के लिए जा रहे हैं। लेटरिंग करने के लिए? क्यों, आपके यहाँ शौचालय नहीं है? अरे यहाँ सरकार की तरफ से तो सार्वजनिक शौचालय बनी हुए हैं जो सारे लोग, यहाँ नहीं बने, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। क्या सरकारी सुविधाएं कौन कौन सी मिलती हैं आपके यहाँ? अभी तक तो यहाँ तो कुछ भी नहीं मिली, स्कूल भी नहीं है एक सरकारी यहाँ पे हमारे मोहल्ले में। अच्छा, ना शौचालय ना स्कूल है। ये कौन सा मोहल्ला पड़ता है? जवाहर कॉलोनी। जवाहर कॉलोनी, यहाँ सरकार से सरकार की सारी सुविधाओं से वंचित है यहाँ के लोग? कुछ मिलता ही नहीं, खाली राशन के अलावा कुछ नहीं मिलता, जो ही मिलता है राशन ही मिलता है, केवल राशन मिलता है, राशन ही है बस, खाली उसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिल रही यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका, कहाँ रहने वाले हैं? मेरा नाम हरपाल सिंह चौधरी है, जवाहर कॉलोनी क्वारसी जी। क्या मामला है आपके? मामला सर ये है कि हम यहाँ बहुत पुराने ऐसे रह रहे हैं, यहाँ ऐसे संकट में रह रहे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लाइट नहीं है, बच्चे पानी नल नहीं है कोई, यहाँ नाला और खुदवा दिया, पानी भर रहा है, बच्चों का डर है यहाँ। अब ये है कि हम भी भाजपा के आदमी हैं, लेकिन हमारे कोई अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, गरीब आदमी हैं, 3 टप्पर डारे बेचारे, कहाँ से पैसा लाएं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, रोजगार आदमी है, मजदूर आदमी, अब बताइए तो हम कहाँ से पैसे, इनको 72,000 रुपये मांग रहे हैं, 72,000 रुपये कहाँ से लाएं? लाइट लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए सर 1-2 खम्मा की जरूरत है, लाइट नहीं है यहाँ,
रात और दिन बिगर लाइट रह रहे हैं, हम पर डारे तो चोर बाजेंगे हम। तो ये बिजली वालों से अगर बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? बिजली वाले ये कहते हैं कि 72,000 रुपए का एस्टीमेट जमा करो, उसके बाद लाइट मिलेगी, उसके बाद में लाइट मिलेगी। तो अब 72,000 रुपए किन के घर से लाए, आपने, कैसे लाए? आपने जो अभी तुम मेरे लिए जो लेटर दिखा रहे थे उसमें सांसद जी और विधायक जी का भी जो लेटर लगा हुआ जी, 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 उसके बावजूद भी लोग पैसे मांग रहे हैं? पैसे मांग रहे हैं सर, पैसे मांग रहे हैं। ये मेरे पास के सब ये लेटर हैं सर, सांसद जी का और तुम्हारे विधायक जी का है, हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका, सुनील अनिल पारासरन, अनिल पारासरन जी, तो उनका भी लेटर लगा हुआ है साहब। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम भागते भागते परेशान हो रहे हैं। अब किन किन को ले जाएं, क्या लेडीजों को ले जाएं, क्या सरकार से जाएं? सरकार से क्या मांग रही है? सरकार से हमारी मांग यही है कि हमारी कृपा महोदय जी से यही प्रार्थना है कि हमारे यहाँ कैसे भी लाइट लगवाएं और पानी की व्यवस्था सबसे पहले करवाएं। आपका क्या नाम है? सर मैं राजकमल हूँ जी। राजकमल जी, क्या ये क्या क्या मामला है तुम्हारे यहाँ? मामला सर ये है कि या तो कोई सुविधा की व्यवस्था ना हो रही, सरकार बोल रही है कि सबका मुफ्त बिजली लग रही है, ये हो रहा वो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों में दिखाया जा रहा है कि ये चीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। सांसद के पास टाइम नहीं है, सांसद कहता है कि 8:30 बजे जाएंगे, 9 बजे तक आ जाओ, आधा घंटा मिलूंगा, नहीं मिलूंगा। विधायक लेटर लिख के देता है कि जाके भैया जेई को दे दो, एसडीओ को दे दो, वो कहते हैं 80,000 रुपया ले आओ विधायक से, अभी हम लट्ठा लगवा दें 2 मिनट में। नाला यहाँ खुदा पड़ा है, बच्चे सब नाले में गिर रहे हैं, किसी चीज की कोई सुविधा ना हो पा रही है। किससे बोले, किन के पास जाए? न सभासद है, वो भी बोल रहा है कि मेरे एरिया में ना आता है, लाइट है पूरी जगह खाली खराब पड़ी हुई, नगर निगम की कोई सुविधा का किस चीज की सुविधा बता रहे हैं लोग, कोई भी नहीं है, सिर्फ कागजों में है, सिर्फ कागजों में, सिर्फ विधायक और सांसद सिर्फ चोर के सिवा और कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ इसके अलावा और कोई घुमराव करते हैं सांसद विधायक, कोई भी किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आज तक देखने नहीं आया सांसद विधायक हम लोग कौन सी गंदगी में और किस कचड़े में रह रहे हैं। तो क्या जब ये चुनाव होता है तो वोट लेने नहीं आते? चुनाव होता है वोट लेने आते हैं, नाले में से खून निकल के जाते हैं यहाँ से, उसके बाद ही उनकी आंखें बंद है, क्या आंखों में पट्टी चढ़ी हुई है विधायकों और सांसदों के, कोई देखने सुनने वाला नहीं यहाँ पे। चलिए, आपने अपनी पीड़ा डेली न्यूज के लिए बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, क्या मामला है यहाँ का? यही मामला है सर, यहाँ तो यहाँ ना साफ सफाई है, ना यहाँ कुछ है, ना पानी की व्यवस्था है, ना सड़क बन रही है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ, ना लाइट की व्यवस्था है। ये कौन सी जगह है? ये जवाहर नगर कॉलोनी है। जवाहर नगर कॉलोनी, ये नाम तो बड़ा बढ़िया रखा है जवाहर नगर कॉलोनी, लेकिन सुविधा यहाँ कुछ नहीं है? नाम ही नाम है, सुविधा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक हैंडपंप तक नहीं है जिससे कि कोई पानी वानी भी पी सके, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। 12-13 साल हो गए रहते रहते यहाँ, यहाँ एक नाली तक तो बन के देती नहीं है, घर के सामने पानी भरे हुए हैं। ये गंदा, ये जो तुम्हारे यहाँ जो गंदा पानी रहता है, गंदा पानी से क्या परेशानी रहती है? गंदे पानी से मच्छर आते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों की देखो कैसे आंखें आ रही है, बुखार आ रहे हैं बच्चों को, कैसे कर रहे हैं, कैसे बच्चे स्कूल कैसे जाए, बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानियां होती है। ये बहुत परेशान है, लाइट नहीं है, 10-12 साल है हमें रहते रहते, और कुछ लोग नहीं कर रहे कुछ काम। ये कहाँ, ये कौन सी जगह है? ये जवाहर कॉलोनी है। जवाहर कौन से क्षेत्र में पड़ता है? ये क्वारसी में पड़ता है। अच्छा अच्छा, मामला क्या है यहाँ? मामला ये है कि 10-12 साल हो गई रहते रहते, बत्ती की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी से परेशान है, बच्चे मच्छर खाते हैं, दुनिया भर का जंगल हो रहा है यहाँ, क्या करें, बच्चे बीमार पड़े हैं, साफ सफाई की कोई बोई नहीं है, नाला और खोद दिया है घर के सामने, और देखो लाइट नहीं है, क्या करें, हर दिन सांप निकलते हैं, हमें बच्चों को खाते हैं, हमें खाते हैं, कहाँ जाएंगे हम, किस लिए कोई सुनवाई ना है रही। विधायक के यहाँ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, एसओ के यहाँ जा रहे हैं, सीओ के यहाँ जा रहे हैं, एडी के यहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रही है सरकार, कुछ कर रही है? नाम क्या है आपका? मधु नाम है मेरा। नाम क्या है आपका? बाला देवी। बाला देवी, कहाँ रहती हो आप लोग? क्वारसी में, जवाहर कॉलोनी में। ये क्या मामला है तुम्हारे यहाँ? ये मामला है कि यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं हो रही है, और रास्ता नहीं है यहाँ पे, पानी की व्यवस्था नहीं, तो बताओ जाए तो कहाँ जाए हम, कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है, कोई 40,000 मांग रहा है, कोई 80,000 मांग रहा है, कुछ भी पड़ रही है, हमारे तीन तपड़िया पड़ रही है, हम चल ले कहाँ जाए, अपने जो नहीं सुनते हैं हमारे, कहाँ की सरकार है, किसने सरकार बनाई है ये, विधायक के पास गए तो विधायक ने खर्रा दे दिया कि जाओ वहाँ जाओ, वहाँ लाल डिग्गी जाओ का फाल डिग्गी जाओ, तो कहाँ कहाँ जाए हम, बच्चन को ले लेके जच्चा घर में पड़ी है, ऊपर सुनवाई घर में पड़ी है, बच्चन को ले लेके, तो बच्चन ले लेके जामे को, ऊपर सुनवाई ले लेके जामे हम, बता
कहाँ जा रहे बाल्टी ले लेके हम पानी कोई सुनाई ना कर रहे यहाँ पे वोट मांगे भाई यहाँ जाएंगे देखो क्या बम्बा खुतरा है यहाँ पे हमारे लिए सांप दिखा में तो दिन रोज सांप लिखा रहे यहाँ पे वीडियो बना के दिखा में सांप कितने सांप है हमारे मोबाइल में है रोज हमारे बच्चे बम्बे में कूद कूद के वह रहे डूब रहे वीडियो बना के दिखा रहे पास जा में चुनाव हमारी सुनाई कर रहे कोई सुविधा है चलो ठीक ठीक धन्यवाद आपका। ये नाम क्या है आपका? कुसुम देवी। हाँ कुसुम देवी क्या मामला है आपके यहाँ? अरे यहाँ सरकारी कोई वो नहीं है और क्या कहते पानी चल रहा नाला और ना तो बिजली नहीं यहाँ कछु नहीं है पानी वानी को नहीं है और पानी परेशान रहते हैं बहुत दूर से आते हैं और लाट वाट कुछ नहीं है बच्चे बहुत परेशान रहते हैं मच्छर लगते हैं। सरकार तो कह रही है कि हर घर जल हर घर नल तो क्या तुम्हारे यहाँ? अरे यहाँ कोई नल फल नहीं है और ना लाइट आती लाइट के कई परेशान रहते हैं मच्छर बालक को खाते हैं और जंगल और सब बच्चे आँख आ रही है और कहते बच्चे स्कूल को नहीं जाते। क्या नाम है आपका? जी आरती क्या मामला है यहाँ? लाइट नहीं आ रही है किसी की यहाँ पे सुविधा पानी नहीं नल लगा ना कुछ बहुत दूर से पानी लेके आ रहे कब तक मैनेज करेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं छोटी बड़ी ऑफिस में कैसे हम जाएंगे अकेली पड़ जाती हूँ मैं काम करने में। तो यहाँ सरकार की एक वो है योजना है कि यहाँ सार्वजनिक शौचालय जिसमें सारे लोग वहाँ शौच करने के लिए जाएं तो क्या तुम्हारे यहाँ कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है? नहीं है कुछ नहीं है जंगल है हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा। नहीं है घर के सामने नल ये खोद दिया है नाला जबरदस्त अच्छा यहाँ नाले से क्या दिक्कत रहती है आप लोगों को? मच्छर आ रहे हैं कीड़े और बच्चे डेंगू बन गया है बच्चे परेशान है घर में झूठ मारने घर पे देख लो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है रेखा। रेखा रेखा क्या मामला है ये मामला इसमें लात लगे हमारे यहाँ पर बच्चे हमारे गिरते हैं पानी वगैरह में यहाँ सांप कीड़ा देते हैं ये बताइए हम कहाँ पर रहे हैं यहाँ तो हमारे लाइट है नहीं हमारे लाइट की सुविधा है कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पर ये बताओ और नहीं तो हमारे नहीं सरकारी स्कूल है नहीं कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। वैसे तो सरकार की ये योजना है कि सरकार आपको स्कूल देगी शिक्षा देगी पानी देगी बिजली देगी हमारे कुछ नहीं है। अच्छा हमारे कुछ नहीं दे रही है सरकार और न लैट्रिन है न बाथरूम कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी? हम हमारे सरकार से ये मामला है कि हमारे यहाँ लाइट की सुविधा करते हम सब चीज की सुविधा करते हमारे यहाँ पर पानी भर रहा है हमारे बच्चे यहाँ पर गिरते हैं दिक्कत ये है। चलिए ठीक ये डेली न्यूज के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य।